मुकदमे में झूठी गवाही देने के लिए तुझे भगवान ने ऊपर बुलाया। मैं तुम्हारे बाबा के साथ झूठी गवाही जरूर दी थी, लेकिन मुझे मानते क्या हो जाओ मेरे छोटे बच्चों का ख्याल करो ठाकुर। राम सिंह, उस वक्त हम भी छोटे बच्चे थे, क्या तुमने हम पर अहम किया था? मैं तुम्हें हाथ जोड़ दूं ठाकुर, मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगा। अब सेवा करने के लिए तेरे पास जिंदगी रही कहाँ है? बस एक विजय नारायण सिंह रह गया है सचिव, मैं उसकी जिंदगी का एक साल 1,00,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ। उससे जाकर पूछ लो कि कितने साल वो जिंदा रहना चाहता है। चलो छोड़ो। छोटे ठाकुर, तुम्हारी गोली की तरह मुंशी की जबान भी नहीं रुकती। हाँ भाई सरजू, तो फिर क्या बोले ठाकुर विजय नारायण सिंह? तू बोलता क्यों नहीं सरजू, क्या कहा है उसने? कैसे बोले छोटे ठाकुर, हम ऐसी बात सुनकर आए हैं कि आधी बात बोलने वाले को भी हम जिंदा नहीं छोड़ते। पूरी बात बता सरजू। बोल सरजू, क्या इरादा है ठाकुर विजय नारायण सिंह का? वो बोले हैं ठाकुर कि वो अपने चरम दिन पे दान करते हैं, पर अगर उस दिन तुम आओगे तो कुछ पा जाओगे। वो ये भी बोले हैं ठाकुर कि हम भी तो देखें चोर का दिल कितना है। तुमने उसे गोली क्यों नहीं मार दी? इसे बोलने दे छोटे। जब हम वहां से चलने लगे तो आवाज देकर बोले, सरजू कह देना हम छोकरों से कि हम पुलिस पुलिस की मदद नहीं लेते, खून की टक्कर में पुलिस का क्या काम? ठाकुर विजय नारायण सिंह के सामने बंदूक तानने के लिए कस भर कर कलेजा चाहिए। हम उसे बताएंगे हमारा कलेजा उस कुत्ते की जबान से कितना बड़ा है।
सर, खबर मिली है कि डाकू अजय सिंह आज फरीदपुर के ठाकुर के यहाँ डाका डालने वाला है। किसे खबर मिली? बरसों की मेहनत के बाद हम उसके एक साथी को तोड़ने में कामयाब हो गए सर। गुड। इंस्पेक्टर शर्मा, माथुर और राय को जल्दी अंदर भेजो। मैं इसी दिन की दिवाह देख रहा था। इसी दिन के लिए तो मैं इन जंगलों में भटक रहा हूँ। अजीत सिंह मेरे काबू में आए और मैं उसे ये बताऊं, बड़े से बड़ा डाकू भी कानून से बहुत छोटा होता है। खबर मिली है कि अजीत सिंह का ग्रोह फरीदपुर के ठाकुर के अड्डा का डालने वाला है। ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ना बेटे, फरीदपुर यहां से सिर्फ 15 मील दूर है। यहां हम हैं, ये फरीदपुर है। माथुर, तुम सीधे फरीदपुर पहुंच जाओ। शर्मा, यस सर, तुम शमशेर नगर की इन पहाड़ियों के रास्ते बंद कर दो। ओके सर। ये किशन देख रही है, जब ये दोनों रास्ते बंद हो गए, अजीत सिंह का ग्रोह इस रास्ते से गुजरेगा, जहां रिजर्व फोर्स के साथ तुम मौजूद रहो। ओके सर। रसी, अपनी बंदूकें फेंक दो, चलो अंदर। मैं तुम्हारी जान अंग अंग से पोत पोत से निकालूंगा। 20 साल तक मेरे भाई ने इस दिन का इंतजार किया है। मैंने उसे रातों के सन्नाटे में आंसू बहाते हुए देखा है, नफरत और गुस्से की आग में जलते हुए देखा है। जाओ, हवेली का दरवाजा खोलो। इस हवेली का असली मालिक बाहर धूप में खड़ा है। जाओ। ठाकुर का खून तो बड़ा घटिया निकला भैया। इसकी छाती तो अब तेरे जूते के बराबर भी नहीं रही छोटे। हमारा कलेजा नापने की बात मौत के डर से पीले पड़े हुए इसी आदमी ने की थी संजू। मैं मौत से नहीं डरता अजीत सिंह। मुझे तो ये सोच के शर्म आ रही है कि मैं 2 टके के डाकू के हाथ में मारा जा रहा हूँ। सरकार ने जिसके सर का दाम 50,000 रखा हो, उसे 2 टके का डाकू नहीं कहते। हमारी कीमत कुछ और बढ़ाओ विजय नारायण, हम तो तुम्हें बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। छोटे, यही है वो आदमी जिसने बाबा के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। यही है वो जिसने हमारी मां को इस हवेली से बाहर निकाल दिया था। यही है वो जिसने तेरे बचपन को लहू लुहान तलवों से मीलों पैदल दौड़ाया, और इसी के कारण हम शरीफों की तरह बस्तियों में पलकर जवान नहीं बसते, बल्कि हम बेदर्द पहाड़ों में रहते रहते पत्थर बन गए। नहीं छोटे ठाकुर, तुम्हें मेरी मां के संदूर के साथ तो कोई लड़ाई नहीं। मैं तुम्हारे हाथ तुम्हें देवर चाहिए ना, ये लो ये लो ये लो ये भी लो। हमारे बाबा की जिंदगी भी लौटा दो ठकराइन, छोटे का बचपन भी लौटा दो, वो दिन भी लौटा दो जो पहाड़ों और जंगलों में भटकते हुए हमसे गुम हो चुके।
वो दिवालियां भी लौटा दो जिनमें हम दिए नहीं जला सके, वो होलियां भी लौटा दो जिनमें हम गुलाल नहीं खेल सके। ये हार तो हमारी माँ का है छोटे, माँ का हक आती है। ये हार इस घर की बहू के लिए है। आज अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो तुम्हारी जितना होता रंजीत। हम कौन से जिंदा है ठकराइन, हमें मरे हुए 20 बरस हो चुके हैं। वो बाहर जहाँ हम रहते हैं हमारी समाधियाँ हैं, और ये हवेली जहाँ तुम रहते हो इसे मैं विजय नारायण सिंह का शमशान बताऊं। नहीं छोटे, मुर्दों को मारा नहीं जाता। इस कायर की सजा मौत नहीं बल्कि मौत से सहमी हुई वो जिंदगी है जो अब ये गुजारेगा। जाओ ठकराइन, हमने साल भर के लिए तुम्हारे पति की जान बख्श दी, लेकिन याद रखो हर साल हम इसी तरह यहाँ आया करेंगे और अपनी वीरान जिंदगी का लगान वसूल करेंगे। सरजू उठाओ ये सब देवर, जाओ छोटे। सुना है आपके हाट में घोड़े बहुत अच्छे आए, तुम इधर से जाओ हम उधर से आते हैं। खबर आई है कि डाकू भाग रहे हैं और भाई अजीत सिंह अपने साथी से अलग हो गया। वेरी गुड, उन पहाड़ियों को हर तरफ से घेर लिया जाए, या तो उसे मेरे सामने लाया जाए या उसके लाश को।
कुत्तों की ये मजाल कि मेरे भाई पर हाथ उठाए। तू यहाँ क्यों चला? देखता नहीं चारों तरफ पुलिस फैली हुई। अपनी बंदूक मुझे दे दी। तू यहाँ से चला जा, मैं पुलिस को रोक रखूंगा। अपनी जान देकर मेरी जान बचाना चाहते हो? तुम्हारी जान हम सबसे ज्यादा कीमती है। तू क्यों नहीं समझता छोटे? अगर तू यहाँ रह गया तो तू भी बाहर जाएगा। जा, चले जा। नहीं भैया, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। चला जा छोटे, नहीं तो गोली मारूंगा। भैया, मेरी जान बचाने के लिए तुम मुझे गोली मार दोगे? नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। डाकू घायल अजीत सिंह को उठाकर भाग गया है। उनकी तलाश जारी है, लेकिन इस बार वो हमारे घेरे से नहीं निकल सकते। ओवर। अगले गांव तक आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जल्दी से निकल जाइए, ये इलाका अच्छा नहीं है, यहाँ डाकू हैं। सदे हुए कुत्ते अजीत ठाकुर को चीर फाड़ कर आ गए सरकार। हम आप लोगों के भरोसे उसे गद्दारी मुखबिर बने। हम कभी नहीं जाके कर
पर हम कहीं नामे नाम नहीं चाहिए। मालूम पड़ा था बाल जिंदगी के दिन खत्म हो गए। तुम ये समझते हो अजीत सिंह तुम्हें यहाँ आके मार डालेगा? उनका कोई भूल होता नहीं सरकार, उनका कोई भूल होता नहीं। तो बात बंद करो। देखो महावीर, वो तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमने तुम्हारी जान बचाने का वादा किया है, हम जरूर बचाएंगे। आपकी तो बात जाएगी सरकार, हम और जान चली जाएगी। तो एक बार को माफ ही कर दे, बाकी सब जीत सिंह, जीत सिंह के खाते में माफी का नाम नहीं। छोटे, तुम्हारे खून की एक एक बूंद का हिसाब लेके रहूंगा भैया। ये सीना तुम्हारी तरफ आती हुई गोली तो नहीं रोक सका, मगर ये हाथ उस कत्तार को सजा जरूर देंगे। गद्दारी का इल्जाम लगाने से पहले ये सोच ले छोटे, कि हमारे साथ सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने हजारों बार हमारे पसीने पर खून बहाया। तुम्हारे इन सुरमाओं में कोई एक कायर भी है भैया, जिसने धोखे से हमारे ठाकुर पर वार किया है, और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़े नहीं छोटे ठाकुर, तो उसने मुखबरी की। महावीर सरजू का भाई वो गद्दार नहीं हो सकता। गद्दार किसी का भाई नहीं होता सरजू, चाहे वो तेरा भाई हो या मेरा। लेकिन ठाकुर वो गिरफ्तार भी तो हो सकता है। अगर वो गिरफ्तार हो गया है तो हम थाने की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन उसे छुड़ा कर लाएंगे। और अगर उसने गद्दारी की है तो तुम जानते हो हमारे यहाँ गद्दार की एक ही सजा है, और वो है मौत। अरे अरे, ये क्या कर रहे? जान बचावा वालों को भगवान कहे हैं सरकार, अगर आप लोग के ना होते तो हमारे मरने की खबर आज पुरानी हो गई होगी। जाओ जाओ, बस तैयार करी।
माचिस है का आपके पास? नहीं है। कैसे हो महावीर सिंह? बड़ा चौधरी का पर नागपुर जा रहा था, गलती से कानपुर के रास्ते पे आ गया। इधर से आओ। इधर से क्यों? इधर से कानपुर जल्दी पहुंच जाओगे। अच्छा अच्छा, जरा ऐसे संभालिए, आराम से आराम से, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, मुझे गिराना मत। थैंक यू मजा आ गया। ओह गुड बॉयज। सुना है कानपुर में जूते अच्छे मिलते हैं? कहां से पकड़ रहा है गुलाब सिंह? कौन है ये? अजी ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ आपको कि मैं कौन हूँ। मैं एक बड़े बाप का छोटा बेटा हूँ। मेरे बाप का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, शेख मथुरा दास मूल जी, जिनका मूलियों का व्यापार है। मैं उनका 12वां पुत्र हूँ। 11 भाइयों का देहांत हो चुका है और अब मेरा देहांत होने वाला है। तू पीली कोठी वाले मूल जी का लड़का है? और नहीं तो क्या, मैं आपको नीली कोठी वाले मूल जी का बेटा लगता हूँ। ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी निकली। मुर्गी मांगने की? क्या आप लोगों का पोल्ट्री फार्म है? अपने बाप को लिख कि अगर उसे तेरी जान प्यारी है तो 10 दिन के अंदर अंदर 50,000 रुपए हाजिर कर दे। इसका जवाब अभी सुन लीजिए, उनका एक तार आएगा कि उन्हें मेरी जान बिल्कुल प्यारी। दुनिया में ऐसा कौन बाप है जिसे अपने बेटे की जान प्यारी? वो मेरा बाप है मिस्टर। ए, मिस्टर मिस्टर नहीं, छोटे ठाकुर कहो। नहीं सरजू, इस बेचारे को क्या पता है यहाँ किसे क्या कहते। तुम इससे चिट्ठी लिखवाओ। सुनिए, आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन जवाब वही आएगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। घड़िया है, आपको 50,000 चाहिए ना, मैं 1,00,000 रुपए के लिए लिखता हूँ। अगर आ गए 50 आप ले लेना, 50 ले लूंगा। ठीक है भाई, यहाँ लंच ब्रेक का होता है, भोजन भोजन, मुझे बड़ी भूख लगी। तेरे बाप का जवाब आने के बाद भोजन मिलेगा। नहीं सरजू, जब तक इसके बाप का जवाब नहीं आता कि हमारा मेहमान है, ऐसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे वाह वाह, आप तो बड़े नेक इंसान हैं, आप तो डाकू लगते ही नहीं, इन लोगों के साथ कैसे आ गए? खबर खबर मिल जाए राम के मेले में, मेरा बाबा है। ए, ले जा,
देखता नहीं कि पहाड़ का आदमी आया हुआ है। अब बता क्या देखा तूने रामगढ़ के मेले में? रामगढ़ के मेले में बहुत मारा है ठाकुर। ठीक है, हम तो जा नहीं सकेंगे, तुम सब लोग जाकर मेला देखाओ। और सुनो, इस दफा तुम्हारा सरदार सरजू होगा। Thank you.
नौकरी के गहने जेवर दे दो, हम चले जाएंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगी। यहाँ क्या लूटने के लिए भेजा था? तू यहाँ क्या लूट रहा है? हम लोग डाकू हैं और जो चीज सामने आ जाए उसे लूट लेते हैं। लेकिन हम किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डालते। ये हमारी मर्जी, इस डाके के सरदार हम हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत कर सरजो। सरदार का खून बहाया है रंजीत, याद रख, सरजू का खून इतना सस्ता नहीं, ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। इस लड़की की इज्जत तेरे खून से ज्यादा महंगी है सरजू। तूने फिर ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पीछे क्यों हट गए? इन्हीं जेवरों के लिए तुमने इस गांव को आग लगाई है। जाने कितने घरों को लूटा है, कितने बच्चों को अलग बनाया है, कितनी मांगों का सिंदूर मिटाया है। ले जाओ ये जेवर, अपने साथियों को दो और कहो उनसे तुम वो सुरमा हो जिसने एक निहत्ते गांव को लूट के माल इकट्ठा किया है। बेटी आशा, मुझे बोल ही दो मोती, शायद आज तक किसी ने इनसे ये बातें कहने की हिम्मत नहीं की। ले जाओ ये सुना, मगर याद रखो इससे तुम सबका एक दिन भी नहीं खरीद सकते। मेरे आदमी ने जो सलूक आपके साथ किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। क्या तुम्हारी शर्मिंदगी मेरी ये चोली सी सकती है? तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ कि तुमने मेरी इज्जत बचाई है। लेकिन कभी उन लड़कियों के बारे में भी सोचना जिनकी इज्जत बचाने के लिए तुम नहीं पहुंच सके। तुम ऐसे सूरमा हो गए वो छोटे कि जिस पर भी चाहते हो अपना हाथ उठा देते हो। हमने इन हाथों को इस दिन के लिए मजबूत नहीं किया था कि वो हमारे वफादार साथियों पर भी उठने लगे। तुम ये भी भूल गए कि सरजू हमारी जगह पर। जानते हो इस अपराध की सजा क्या? मुझे मेरे अपराध की सजा सुनाने से पहले अपने वफादार साथी से ये पूछो तुमने इसे वहां क्या लूटने के लिए भेजा था।
और ये वहां क्या लूट रहा था? जरा पूछो इससे कि उस लड़की के नंगे बदन से ये कौन सा खजाना तलाश कर रहा था। ये झूठ है ठाकुर। जो हाथ कभी छोटे के बचपन की शरारतों पर नहीं उठा वो आज इसलिए उठ गया कि इसने एक बेबस लड़की की आंखें बचाई। चुप रहो मुंशी। दुनिया की कोई लड़की इतनी अनमोल नहीं कि हम उस पर अपने किसी साथी को कुर्बान कर दें। ठाकुर अजीत सिंह के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती भैया। खटिया और कमीने आदमी के मुकाबले में लड़की की इज्जत की कोई कीमत नहीं। जो की जगह अगर तुम भी होते भैया हाथ तुम पर भी उठा। छोड़ दे। ठाकुर रंजीत सिंह तुमने अपने सरदार पर हाथ उठाने का अपराध किया। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर दिल होता तो ठाकुर तेरी ये हालत करते? भैया के खिलाफ कुछ मत बोल मुंशी। ठीक है ठीक है। बड़ा आया मुंशी को डांटने वाला। छोटे वैसे तो हम लोग बड़े सूरमा बने फिरते हैं पर डरते हैं अपनी परछाइयों का। याद रख हम लोगों का अंजाम या तो पुलिस की गोली होती है या फांसी का फंदा। मेरा कहना मान वो अपनी आत्मा पर चांदी का मैल ना चढ़ने दे। इन बेदर्द पहाड़ियों को छोड़कर कहीं चला जा। कैसे चला जाऊं मुंशी? भैया के प्यार की जंजीर ने जकड़ रखा है। तोड़ क्यों नहीं देते इन जंजीरों? ये जंजीर नहीं टूट सकती भैया। प्यार की इस जंजीर के निशान मेरी पेट पर नहीं देखे? हमें माफ कर दे छोटे। ये निशान तेरी पीठ पर जरूर है लेकिन घाव हमारे दिल पर भी है। हम मजबूर थे छोटे। अपने ग्रह के उसूलों से मजबूर। ये कैसे उसूल है भैया जो हमें सुख का एक दिन और चैन की एक रात नहीं दे सकते? कैसे उसूल है जो हमें औरतों की इज्जत और आबरू लूटना सिखाते हैं? मैं पूछता हूँ भैया क्या इन उसूलों की सिवा जीने का कोई और रास्ता नहीं है? छोटे जरूर है। इन पहाड़ियों को छोड़कर हम वहां जा सकते हैं जहां अनाज दबाकर देश में अकाल डलवाया जाता है और फिर उसी अनाज को इज्जत और आबरू के मोल बेचा जाता है। जहां नकली दवाइयों का धंधा करके लोग हजारों और लाखों बेगुनाहों का खून करते हैं। अरे छोटे इस दुनिया को जितना हमने देखा है तूने नहीं देखा। तुमने जिंदगी का एक ही पहलू देखा है भैया दूसरा नहीं। ऐसे और छोटे ठाकुर हाय अल्लाह ये किसने जुल्म किया है? तुम्हारे पीठ पर किसने निशान डाले हैं? उसका सत्यानाश हो जाए उसकी जवानी जल जाए। मैं नगोड़ी तो भागी भागी आई थी कि बड़े ठाकुर के जख्म भर गए हैं। मुबारकबाद देकर के इनाम पाऊंगी। मुझे क्या मालूम था छोटे ठाकुर कि मुझे ये दिन भी देखना नसीब होगा। बड़े मौके से आई हो गुगन। छोटा हमसे नाराज हो गया है। आज लाठी मारे से कहीं पानी जुदा होता है। ठाकुर साहब आखिर आप बड़े भैया हैं। आगे बढ़ के गले लगा लो सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। क्यों छोटे गले लगा लें तुझे?
आज मैं मारी जाऊं, कहीं नजर न लग जाए मेरे दोनों भाइयों को। आज तेरी नजर से काम नहीं चलेगा बुकर। आज मुझ भैया की नजर में क्या रखा है, मैं तो वो तोहफा लाई हूँ जो जिंदगी भर याद रहेगा आप लोगों को। बड़ी मेहनत से जवान किया है मैंने दिलारा को। आपको हमसे क्या चाहिए, बस अदा ही अदा या वफा चाहिए? एक चुटकी में दिल तोड़ सकते हैं हम, दिल जो टूटा हो तो जोड़ सकते हैं हम। जिंदगी चाहिए या कजा चाहिए? शहर जा रही है। शहर कैसे? जीप से। शाबाश।
देखता हूं उसे मेरे हाथों से कौन बचाता है। ऐसा नहीं हूं तो कैसा था? ये तो मैं नहीं जानती। जानकर करोगे भी क्या? तुम्हें तुम्हारे घर वापस पहुंचाकर मैं फिर इन पहाड़ियों में लौट आऊंगा अपने भैया बड़े ठाकुर के पास। उस भैया, उस बड़े ठाकुर के पास जिसने तुम्हें आदमी बनाने की जगह डाकू बना दिया। ए लड़के, खबरदार जो मेरे भैया के बारे में कुछ कहा। मैं तुम्हारे भैया के बारे में कुछ नहीं कह रही, तुम्हारी बात कर रही हूँ। क्या कभी तुम्हारा जी नहीं चाहता किसी गांव या शहर में आम आदमी की तरह रहूं, पड़ोसियों से हंसूं? जी तो बहुत कुछ करने को चाहता है, लेकिन जी के चाहने से क्या होता है? जिस आदमी के पीछे कानून फांसी का फंदा लेकर दौड़ रहा हो, वो घर के ख्वाब नहीं देख सकता। सो जाओ। सो जाऊंगी तो ख्वाब देखूंगी कि मैंने तुम्हें शहर में रोक लिया और तुमने ये काम करना छोड़ दिया। अच्छा है तुम जागती ही हो, क्योंकि ऐसे ख्वाब देखने से ना देखने ही अच्छा है। तुम्हारी आंख खुल जाएगी, ख्वाब टूट जाएगा और मैं क्या करूंगा? मुझे तुमसे कोई दूर नहीं ले जा सकता भैया। देखा सरजू, हम कहते रहते हमारा छोटा हमसे कभी बगावत नहीं कर सकता। वो बहुत बड़े बाप की लड़की है छोटे, उसे लेकर नीचे आ जा। नहीं भैया, मैंने उसे बचाने की प्रतिज्ञा की है और तुम जानते हो प्रतिज्ञा बड़े भाई के हुक्म से भी बड़ी होती है। पागलपन न कर छोटे, इस लड़की के बदले में हमें लाखों रुपया मिल सकता है। सरजू ने तुम्हें लड़कियों का व्यापार भी सिखा दिया भैया? छोटे! ठाकुर, लड़की इस वक्त मेरी पनाह में है, अगर किसी ने उसे छीनने की कोशिश की तो तुम्हारे चरणों की कसम मैं उसे गोली मारूंगा। रुक जाओ भैया, मैं कहता हूँ रुक जाओ।
तेरा निशाना तो चूक रहा है छोटे। सीने पर गोली मार छोटे, सीने पर। सीने पर बरसों सर रख कर सोता रहा हूँ भैया, तो सीने पर कैसे गोली मारूं? से तो तुम आगे बढ़े आ रहे हो, मैं तुम्हें गोली तो नहीं मार सकता, लेकिन जो तुम चाहते हो वो भी नहीं करूंगा। क्या हुआ ये? छोटे ठाकुर भाग गए शिका का। क्या? उसने बैठ ठाकुर का बंदूक ताली की, ठाकुर ने पकड़ने का हुक्म दिया। क्या हो गया हा? शंकर ठाकुर के लौटने से पहले तू भी यहाँ से भाग जा, अब तुझे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं रहा। अरे वाह, मैं क्यों भाग जाऊँ? मेरा बाप मेरे लिए 50,000 रुपए भेज रहा है, मैं पैसा मिलने के बाद दूंगा। अरे मर गई है तो यहाँ से कोई अच्छी जगह तलाश कर ले, यहाँ के लोग बड़े बेदर्द थे, बस एक छोटा ही इंसान था जो चला गया। भाग जा, मैं कहता हूँ भाग जा यहाँ से, भाग जा। तुमने मेरी लड़के की जान बचा ली, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। एहसान कैसा से किया? मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। बंसी, इन्हें 1,000 रुपए दे दो। भाई खड़े क्यों, बैठो ना। अरे भैया, आप क्या कह रहे हैं? डरी कम है क्या? ज्यादा दे दो, अपने हाथों से दे दो, जो मन में आ गए। हेलो जी, हाँ आप गांव जाने की जरूरत नहीं, आशा आ गई है, हाँ हाँ मेरे सामने खड़ी है, आप आ जाइए और जो कुछ भी पूछना चाहते हैं खुदा कर पूछ लीजिए। गांव से एक आदमी भी आया है, वो भी यही मौजूद है। एसपी साहब आप आ जाइए। जी हाँ, कहाँ जा रहे हो? मैं घर पहुंचा दिया, वापस जा रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें उस दुनिया में वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हारी और मेरी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है आशा देवी, वहाँ सरकार ने मेरी कीमत 50,000 लगाई है और यहाँ तुम्हारे पिताजी ने सिर्फ 1,000। डैडी की बात का बुरा मत मानना, उन्होंने सिर्फ तुम्हारे कपड़े देखे, दिल नहीं देखा जो मैंने देखा है। लेकिन इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है, पुलिस आ रही है, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। और सुनो, आज शाम को 7 बजे यूनियन पार्क के गेट पर मिलना। यूनियन पार्क? हाँ हाँ, किसी से पूछ लेना, मालूम हो जाएगा। तुम चलो उनसे। अरे कीमती लाल जी, आप तो ठीक है। नेवर माइंड मैडम, 4 रोज से मेरा
सुबह की ट्रेन, शाम का प्लेन, वही कौन सर्वर, कैरेबल सर्वर, पोकर फ्रेंडशिप, पोकर फ्रेंडशिप, हर जगह देखा नहीं आपका दीप, छब्बीस तारीख को आपका शो भी, इसका आप 30 तारीख को आई है, टिकटों के पैसे मुझे वापस करने पड़े और पब्लिसिटी का पैसा मुझे अपनी जेब। आप कभी नहीं सुने सवाल पैदा नहीं होता था, वो एक्चुअल डरनर पावर लड़की आई है और आप सो रहे हैं, लेकिन सुना था मेरा शो शो तुम्हारा हो जाए। हाँ बेटी कीमती लड़की कोई कीमती नहीं है, तेरी गठर में लागा तो। अरे अरे ठाकुर ठाकुर, अरे तुम ठाकुर, तुम यहाँ कैसे है? मैं तो बाइसिकल पे आया हूँ, तुम कैसे आए? मैं यहाँ आशा को छोड़ने आया था। अरे क्या गलती कर रहे हो, आशा को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे हेडमास्टर ने कहा है जब तक है आशा तब तक है भूखिया पाशा, मेरे ड्रिल मास्टर ने कहा है तुम ऐसा करो मेरे घर चलो, मैं तुमको सब बताता हूँ किसने क्या कहा है। नहीं भाई, मुझे 7 बजे वो यूनियन पार्क में किसी से मिलना है। ओहो, आते ही शहर की हवा लग गई, मिलना जुलना भी शुरू हो गया। वैसे भी 7 बजे में 7 घंटे बाकी है, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारा खुलेआम फिरना ठीक नहीं है, तुम डाकू हो, कहीं पकड़ गए मुझे बहुत दुख होगा कि मैंने शहर में तुम्हारी रक्षा नहीं की। आशा देवी वो आदमी कहाँ है जो आपको छोड़ने आया? वापस चला गया। चला गया, मेरा इनाम दिए बगैर चला गया। आपकी मौसी ने बयान दिया है कि आपको सरजू से बचाने वाले आदमी का नाम भी रंजीत है, क्या वही तो आपको यहाँ लेकर नहीं आया? नहीं, मगर ये रंजीत सिंह है कौन? एक बहुत बड़ा डाकू है जिसकी गिरफ्तारी पे 50,000 रुपए का इनाम है। हमें खबर मिली है कि आजकल वो इस शहर में है, और अगर वो यहाँ है तो वो पुलिस के जाल से बच के नहीं जा सकता, इसलिए हमने इस शहर को चारों तरफ से सील कर दिया। जाने के बाद ही कोई डीआईजी वर्मा आ गया, उसको किसी तरह ये पता चल गया कि तुम मुझे यहाँ छोड़ने आए, इसलिए उसने शहर की नाकाबंदी कर रखी है ताकि तुम यहाँ से निकल सको। ओह, इसलिए हर मोड़ पे इतनी पुलिस खड़ी हुई थी, मैं समझा था कि मेरे साथ साथ कोई मिनिस्टर भी आ रहा है। पुलिस को तो डाकू और मिनिस्टरों से मतलब, लेकिन मुझे पुलिस के फंदों से निकलना आता है शंकर, तुम लोग मेरी फिक्र ना करो, मैं किसी भी तरह शहर से निकल जाऊंगा। निकल कैसे जाओगे, ये शहर नया है, रास्ते तुम्हें मालूम, मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं जाऊंगी। शायद पुलिस हमारा पीछे कर रही है। पुलिस से उड़ने की कोशिश मत कीजिए आशा देवी, आपने यूनियन पार्क से 2 आदमियों को अपने साथ लिया था। ये नहीं मानेंगे आशा देवी। जी साहब, ये ठीक कह रही हैं, इनके साथ कोई नहीं था, ये हमारे साथ। आपकी तारीफ? ये छोटे छोटे बड़े कुछ नहीं साहब, खैर मैं आपको अपनी असलियत बता देता हूँ। असलियत मैं बताता हूँ हवलदार साहब, मेरा मतलब है डीआईजी साहब, आशा के पिताजी लव मैरिज के खिलाफ है, ये लोग नहीं है मैं भी नहीं, जब मियां बीवी राजी क्या करेगा काजी, कैन इंटरफियर, ये बेचारे शाम को दिल्ली से आते हैं रात को चले जाते हैं, सिंपल लाइफ है।
क्या देख रही हो? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। कहाँ? पहले तो कहीं और ले जाने की सोच रही थी, अब घर ही चलते हैं। वहाँ मेरे आने की खुशी में पार्टी करेंगे। मगर वहाँ, अरे चलो भी, जब बरसों से तुम्हारा पीछा करने वाले वर्मा साहब ने नहीं करता ना, तो और कौन करता है? चलो, वी मस्ट गो इमीडिएटली। जिनके लिए ये पार्टी दी जा रही है वो कह रहा है, ऐसा दे दिया तो नजर ही नहीं आ रही। यही होगी अभी बुलावा। कहीं आए आशा? आशा तो हाँ, वो आशा अरे अरे बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। महाराज कुमार और ठीक अंदर। आप से मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे खुशी रखिए। अरे मोहन जी, आपके बगैर तो भैया बाहर ही चली। आशा जी, आप कभी टाइम पर आ गया सवाल पैदा नहीं होता। क्वेश्चन डज नॉट बॉल। माय नेम इज ठीक 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 विजय नारायण सिंह, तुम नहीं जानते? बड़ी अच्छी तरह मैं इसके बाप को भी जानता हूँ। इसके साथ कौन लोग हैं? वो जो दाढ़ी वाला, वो शेखर है, विजय नारायण सिंह का भतीजा। और वो जो गंजा है ना, शेखर का चमचा है। इनका क्लब है जहाँ से कोई माल जीत के नहीं जा सकता। एक दिन हम देखेंगे। अरे रीता, तो इस कन्या को मत देखना। मेरे पिता के देहांत के बाद ये मेरी पत्नी बनेगी। वाए बनू ने इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। शेखर, ये दाढ़ी किस खुशी में बढ़ा रही? खुशी में नहीं, गम में। कहो गम में, अब तुम आ गई हो तो निकलवा दूंगा। ना 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 ना, ये गलती मत करना। कम से कम चेहरा तो छुपा हुआ है। अरे बेटी, दर्शन कब से ढूंढ रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी। वो आपकी तारीफ? ये है मिस्टर कुमार, मेरे फ्रेंड। आपसे मिलकर बड़ी खुशी है। ऐसा लगता है कि जैसे आपको पहले कभी देखा। जरूर देखा। अरे भाई, ये विजय नारायण, ये बच्चों में क्या कर रहे हो? चलो अच्छा शेखर, तुम कुछ शेर में याद करना, तब तक हम एक चक्कर मार के आते हैं। विलियम शेक्सपियर के शेर। अच्छा, विजय नारायण सिंह से हमारी पुरानी दुश्मनी है। मैं यहाँ रहा तो कोई भी हंगामा हो सकता है। मैं कल तुमसे मिलूंगा। आओ शंकर। समझ में नहीं आता शेखर, इस कुमार को कहाँ देखा है? अंकल, अगर नहीं देखा तो देख लूंगा। आशा इस पर बहुत मेहरबानियां लुटा रही है। ये दुनिया इतनी बड़ी नहीं है सरजू, छोटे को छुपा सके, उसे वापस लाना भी हो। आपने मेरे भाई महावीर को वापस लाने की बात नहीं की थी ठाकुर। सरजू, आप ही का बनाया हुआ कानून है ठाकुर, हमें कोई छोड़ के चला जाए तो वो गद्दार है, और हमारे यहाँ गद्दार की सिर्फ एक सजा है, और वो है मौत। आप ठाकुर चाहे तो अपने भाई को बचाने के लिए कानून बदल भी सकते हैं। हेलो शेखर बाबू, शेखर बाबू, मैं मैनेजर जानकी दास बोल रहा हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ी हस्ती आई है, करोड़पति, किसी स्टेट का प्रिंस है। उसके सेक्रेटरी के हाथ में एक बैग है, हजार हजार के नोटों से भरा हुआ है। मैंने खान को उसके सामने बैठा दिया और खान धरा धर जीत रहा है। शो खान साहब। शो मालूम होता है जेब के मुकाबले में योर हाइनेस का दिल बहुत छोटा है। सिर्फ दो दिन चार, लेकिन कलर काट बढ़िया। खान साहब, आप तुम क्या सर पे खड़े हो? अपना महमूद साया बाहर फेंको, हम तो पहले ही हारे बैठे हैं। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, देखभाल करना मेरा फर्ज है। स्टिल आई एम स्पीड भी कर। ओके ओके, प्लीज प्लीज। अब ओके, जो है
दो जगह थे, ये हमने क्या किया? हजार रुपया है मैडम। क्यों? बादशाह का कलर है छोटा सा। लाइए बताओ मुझे। हम चले गए शंकर। चलिए यू हाइनेस। इतना भी क्या जल्दी है राजा साहब, बैठो ने। एक गेम और, लास्ट फॉर योर हेल्थ। चलिए अरे वाह खान साहब क्या कार्ड दिए। एक 2000 की चाल। जय बजरंग बली, वही ये कुछ बात थी। अपनी 2000 की चाल। 2000 की अपनी भी आई। पांच अपने, पांच मेरे। मालूम होता है योर हाइनेस बहुत मजबूत है, हैं? खैर कोई बात, पांच मेरे। योर हाइनेस और निकालू? नहीं रहने दो शंकर, साहब तो चलने पर तुले हुए हैं और हमारे पास वक्त कम है, अभी शो करवा लेते हैं। शो खा साहब। शो? ये गेम आप हार गए योर हाइनेस। ठहरिए खा साहब, इन बादशाहों से भी कुछ बड़ा होता है। जय शिव शंकर। आप इस तरह जीत कर नहीं जा सकते। तो फिर किस तरह जा सकते हैं? आपको हमारे साथ फिर से खेलना होगा। बड़े घटिया किस्म के खिलाड़ी हैं खास साहब, आप आकर रोते हैं। ठहरिए। खास साहब पत्तों का खेल खेलिए, रिवॉल्वर का खेल बड़ा खतरनाक होता है। चावलों में मिलाने के लिए सफेद पत्थर करके तैयार हो गए? जी हो गए। और तेल की पोजीशन क्या? जी दो टन है। पौना टन मोबिल मिला दो। जी एक टन क्यों ना मिला दूं? आदमी समझदार। जानकी दास हूं ना। गैस मैं बोल रहा हूं, क्या खबर है? क्या पक्की बात है? यानी गीदर की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। नहीं नहीं तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। शेखर, शेखर का वो जरा बिजी है आजकल, वो ज्यादा ही बिजी रहने लगा है। उस दिन पार्टी में आशा और शंकर के साथ जो आदमी था वही रंजीत, मेरा शक ठीक निकला। शंकर का घर तो मुझे मालूम है, वो वही होगा। मैं अभी दोनों को पकड़ लाता। रंजीत सिंह इतनी आसानी से पकड़ा नहीं देगा। आप फिक्र मत कीजिए, ये अगर ये कोई काम मुश्किल नहीं। ठीक है। आहा, वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको कभी हम अपने आप को देखते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। लेकिन आप लोग अंधेरे में बत्ती बुझा के क्या कर रहे थे? बहुत इंतजार करवाई। अकेले कैसे आए? कहाँ है वो तुम्हारा दोस्त? दोस्त? कौन सा दोस्त? वही दोस्त जो रात को तुम्हारे साथ पार्टी में था। पार्टी? रात को? वो तो घर चला गया होगा। उसका नाम क्या है? नाम? नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। क्या उसका नाम रंजीत है? रंजीत? नहीं नहीं उसका नाम विश्वजीत है। इरा ये ऐसे नहीं मानेगा,
हेलो, उसका नाम है सुजीत है। सही सही बताओ क्या नाम है उसका? उसका नाम अमरजीत है। छोटे ठाकुर, मैंने उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। उसने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। किसने? शेखर ने। उसे तुम पर शक हो गया है। वो मुझसे पूछ रहा था कि तुम कौन हो। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। उसकी ये मजाल। अच्छा, मैं उसे बताता हूँ मैं कौन हूँ। जानते हो कली के साथ कांटे भी होते हैं। I'm
जानना चाहता है मैं कौन हूँ। रंजीत ने मार मार के शेखर और हीरा के अंजर पंजर ढीले कर दिए। मार तो उन दोनों को पड़ी और मैं सच कहता हूँ दर्द मेरे जिस्म में हो रहा है। रंजीत सिंह का कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। हेलो जी, हाँ डी आई जी वर्मा साहब को दीजिए। वर्मा साहब, मैं ठाकुर विजय नारायण सिंह बोल रहा हूँ। देखिए खरीद वरीद बाद में पूछिएगा, आजकल जो आदमी आशा देवी के साथ दिखाई दे रहा है वही रंजीत सिंह। जी हाँ, वही डाकू रंजीत सिंह। देखिए मैंने एक अच्छा शहरी होने के नाते आपको इत्तला दे दी है। आप अभी तक जा रहे हैं, मुझे कुछ देर हो गई। इनका एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं इन्हें साथ ले आई। आशा तुम मेरे साथ आओ। आशा इसे फौरन यहां से निकाल दो, वरना कभी इसे मिलने की कोशिश ना करना। बात क्या है? ये आदमी कुमार वगैरह कुछ नहीं है, मशहूर डाकू रंजीत सिंह, और इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम है। ये मैं जानती हूँ नरी। क्या ये जानते हुए भी तुमने उससे मेल जोल बढ़ाया और उसे यहां लाने की हिम्मत की? इसलिए कि वो कभी डाकू था, अब नहीं। डाकू कभी नहीं बदल सकता, और अगर बदल भी गया तो इससे हमें क्या वास्ता है? वास्ता है डैडी, अगर यही डाकू वक्त पर साथ नहीं देता तो इस घर की इज्जत खाक में मिल चुकी होती और हम दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। ये क्यों नहीं सोचती कि अगर दुनिया को ये मालूम हो गया कि राय बहादुर शिव नारायण सिन्हा की बेटी एक गुनहगार मुजरिम डाकू का साथ दे रही, तो क्या हम दुनिया को मुंह दिखाने के लायक पाए? कुछ भी हो डैडी, जब उसने मेरे लिए अपने साथियों को छोड़ दिया, अपने पिता समान भाई से नाता तोड़ दिया, मैंने भी उसके साथ चलने की कसम खाई थी, उसका जीवन बदलने की प्रतिज्ञा की। आशा मैं गलत रास्ता अख्तियार नहीं करने दूंगा और ना ही उससे मिलने दूंगा। उसके लिए सिर्फ दो ही ठिकाने हैं, जेल की कुर्सी या फांसी का फंदा। मैं अभी उसे वहां तक पहुंचा देता। नहीं नहीं, मैं आपको फोन नहीं करने दूंगी, इस घर में पुलिस नहीं आएगी। तो नौबत यहां तक पहुंच गई है तो पुलिस की भी जरूरत नहीं। लगता है लाइसेंस लेने के बाद आज पहली बार आपने रिवॉल्वर उठाया। मेरे पास लाइसेंस नहीं सिन्हा साहब, लेकिन मैं इस खिलौने की रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे डराइए मत, एक बुजुर्ग की तरह इसे रख कर बात कीजिए, वही होगा जो आप चाहेंगे। रंजीत साहब, थोड़ी देर के लिए अगर आशा से बात करने की इजाजत दे सकें
तो इस गुनहगार मुजरिम और डाकू पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरा यकीन कीजिए सिन्हा साहब, इस घर की इज्जत मुझे अपने वचन से ज्यादा प्यारी है। नहीं रजी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जाना तो मैं भी नहीं चाहता आशा, लेकिन वो सब हमेशा तो नहीं होता जो हम चाहते हैं। इस घड़ी को एक ना एक दिन तो आना ही था। मैं जानता था मेरा भविष्य क्या है आशा। मेरे आगे जेल है और पीछे कानून के लंबे हाथ। कानून की नजर में तुम गुनहगार, मुजरिम और डाकू हो सकते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा रंजीत इंसान नहीं, एक देवता है। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ आशा। मैंने भी कई बार अपने दिल की बात कह देना चाहिए, लेकिन दिमाग ने हमेशा रोक दिया। इसी डर से कि एक दिन अचानक तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा और ये कानून वाले न जाने क्या सजा दें, जेल, फांसी, कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी हो, मैंने तुम्हें अपना लिया है, तुम्हारा दुख से सब मेरा है। हम कहीं कहीं दूर चले जाएंगे। नहीं आशा, मैं इतना खुद गर्ज नहीं कि तुम्हें कांटों में घसीटता लू। रंजीत समझते क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। तुम्हें मेरे बगैर जीना पड़ेगा आशा, और तुम मेरे बगैर जियोगी। नहीं रंजीत, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आशा मुझे समझने की कोशिश करो, बाहर पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा यहाँ से चला जाना ही ठीक है, इसी में हम सबकी भलाई। मैं पूछता हूं महावीर को गद्दार कहकर उसे गोली मारने वाले ठाकुर अपने छोटे भाई के बारे में कब तक सोचेंगे? मेरा छोटा भी अगर तेरे महावीर की तरह पुलिस में चला गया होता तो भवानी की सौगंध ये काम मेरे लिए बहुत आसान हो गया। उसने हमसे गद्दारी नहीं की, वो पुलिस में नहीं गया। मगर पुलिस तो उसके पास जा सकती है, और तुम जानते हो ठाकुर, पुलिस बड़े बड़ों को सीधा कर देती है। सचू ये सोचो कि अगर छोटे ठाकुर पुलिस के सामने बोल पड़े तो क्या होगा? क्या तुम अपने छोटे भाई के प्यार पर अपने पूरे गिरोह को कुर्बान कर देना चाहते हो? छोटे को यहाँ लाओ या उसे भी वही सजा दो जो महावीर को दी गई थी। हाँ ठाकुर, साजू ठीक कहता है। ठीक है, मैं छोटे को यहाँ लाऊंगा, और अगर न ला सका तो उसे भी वही सलाह दी जाएगी जो महावीर को दी गई। कानून के साथ आप मिसाल न थे जी आशा देवी। माना कि रंजीत सिंह ने आपकी जान बचाई है, आपकी इज्जत बचाई है, माना कि आप उसके एहसान मंद है, लेकिन फर्क कभी कुछ तकाजा होता है। रंजीत कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगी। बताएंगी तो आप जरूर, इस कुर्सी पे आराम से बैठ कर नहीं बताएंगी तो हवालात में दो रात गुजारने के बाद। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं समझा रहा हूँ, अमलात बहुत बुरी जगह है, सुना तुमने? जी हाँ, कई बार सुना है लेकिन देखा नहीं है। आप दिखाएंगे तो देख लूंगा। ये बात है, बंद कर दो अमलात में। आइए, अमलात की चाबी मेरे पास है बाबू साहब। तो तुम हो रंजीत सिंह, उस रोज से तुमने खूब चकमा दिया। आपकी और हमारी आंख मिचोली तो बरसों से चली आ रही है वर्मा साहब, लेकिन आज उस खेल का आखिरी दिन है। आशा, तुम शंकर को लेकर जाओ यहाँ से। क्या तुम समझते हो तुम इन लोगों को छुड़ा के यहाँ से निकल जाओगे? खबरदार, हाथ काबू में रखिए वर्मा साहब। रंजीत सिंह, ये मत भूलो कि ये पुलिस ऑफिस है, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। मुझे गिरफ्तार करने के लिए अब बरसों जंगलों की धूल फांकते रहे हैं, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। आज मैं अपने आप को खुद आपके हवाले करता हूँ, ये जानते हुए भी कि आप मुझे फांसी के तख्ते पर ले जाएंगे। रंजीत, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं ठीक कर रहा हूँ आशा, तुम जाओ।
चलिए आशा जी। वर्मा साहब, आप ये न समझे कि मैं घर में जाकर चुपचाप बैठ जाऊंगी, बड़े से बड़ा वकील करूंगी और रंजीत को छुड़ा कर दम लूंगी। मैं ये सोच भी नहीं सकता था ठाकुर रंजीत सिंह एक लड़की के लिए अपने आप को कानून के हवाले कर देगा। वर्मा साहब, ये बात सोचने से ज्यादा समझने की है। छोटा कहाँ है? अच्छा, तो तुम हो बड़े ठाकुर जिसने अपने छोटे भाई की तकदीर में फांसी लिख दी है। क्या पकती है लड़की? निहत्थे और बेगुनाह लोगों पर तो कोई भी बंदूक तान कर सुरमा बन सकता है। बड़े बहादुर बनते हो तो सच्चाई का सामने करके देखो। बहुत बोल रही है ठाकुर, कहो तो उसकी जबान खींच दूं। ये तो तुमसे भी बहादुर निकला बड़े ठाकुर, बेबस लड़कियों के सामने तो और भी बहादुर बन जाता है। बातों में वक्त बर्बाद मत कर छोकरी, बता छोटे ठाकुर कहाँ है? तुम होते कौन हो मुझसे कोई बात पूछने वाले? लड़की, मैंने आज तक किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया, याद रख, अगर छोटे का पता नहीं बताएगी तेरा गला घोट दूंगा, तेरे बाप को गोली मार दूंगा और इस मकान को जलाकर राख कर दूंगा। मैंने कब कहा कि नहीं बताऊंगी? जरूर बताऊंगी। कान खोल कर सुनो, तुम्हारे छोटे ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है। पको मत, मेरा छोटा किसी के आगे हथियार नहीं डाल सकता। तो जाके डीजी वर्मा से पूछ लो। वर्मा? हाँ वर्मा, वो रंजीत की तलाश में यहाँ आया हुआ है। मैं तो कहता हूँ ठाकुर, इस छोकरी को उठा के ले चलो, छोटे ठाकुर जहाँ भी होंगे अपने आप आ जाएंगे। ले जाओ उसे। इस लड़की की रिहाई की कीमत रंजीत है, जिस दिन वो वापस आ जाएगा ये लड़की छोड़ दी जाएगी। गजब हो गया वर्मा साहब, गजब हो गया। मेरी आशा को डाकू जी सिंह उठा कर ले गया। और क्या जाती ये कह गया कि आशा की रिहाई की कीमत रंजीत है? इम्पॉसिबल, आप फिक्र न करें, कानून इन गीदड़ भक्कियों में नहीं आता। लेकिन आशा आपके कानून की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। प्लीज वर्मा साहब, रंजीत को छोड़ दीजिए, मैं उसकी जमानत देने के लिए तैयार हूँ। लाख, दो लाख, पांच लाख, दस लाख। आप भी कमाल करते हैं, जो रंजीत सिंह इतनी मुश्किल से हमारे हाथ आया हो उसे हम इतनी। वर्मा साहब, मैं आपके हाथ आया नहीं, मैंने खुद को आपके हवाले किया है। आशा की जिंदगी से मत खेलिए, अगर ठाकुर ने कह दिया है आशा नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मैं कानून की पूरी ताकत लगा दूंगा। वर्मा साहब, आप ज्यादा दबाव डालेंगे तो आपको आशा नहीं उसकी लाश मिलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए, मैं वादा करता हूँ आशा को छुड़ाने के बाद मैं अपने आपको कानून के हवाले कर दूंगा। आई एम सॉरी, मैं रंजीत सिंह को लेकर उस इलाके की तरफ जा रहा हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपकी बेटी को छुड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। जब तक छोटा नहीं आ जाता तू यही रहेगी। और तुम भी वहीं रहोगे ठाकुर अजीत सिंह। संजू, ये क्या है? ठाकुर अजीत सिंह, वो जो तुमने खजाना जमा कर रखा ना, तुम्हारे वफादार साथियों के बीच उसके बांटने का वक्त आ गया। इधर मेरा बहुत दिनों से जी चाह रहा है ठाकुर कि यहां मेरा नाम कुछ इज्जत से लिया जाए, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि आज से तुम नहीं मैं था। क्यों? देखा अजीत सिंह, अब तुम घुड़ा गए हो अजीत सिंह, वो पहले जैसी फुर्ती अब तुम में नहीं रही। मेरा पालतू कुत्ता मुझी पर भौंक रहा है, अगर हिम्मत है तो एक बंदूक मुझे दे, फिर देख के मेरा बुढ़ापा कैसा। हार जाओगे, तुम्हारे दिन तभी लग गए थे अजीत सिंह जिस दिन महावीर को गोली मारने वाले ठाकुर की जबान रंजीत को गद्दार कहने में लड़खड़ा गई। जो गद्दार का साथ दे वो भी गद्दार है, यही तुम्हारा बनाया हुआ कानून है और इस कानून की रूह से तुम भी गद्दार हो।
ये सब क्या हो रहा है सरजू? सरजू नहीं मुंशी के बच्चे, ठाकुर कहो। ठाकुर सूरजपान सिंह, समझे? वो खजाना का अजीत सिंह तुझ जैसे कुत्ते से बात भी नहीं करता। नहीं करता था, हाँ, लेकिन अब बात करोगे तुम, मेरी खुशामद करोगे तुम कि मैं तुम्हारी बात सुन। अजीत को तू मौत से डराता है? ना 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 ना, ना। अजीत सिंह मौत से नहीं डरता, लेकिन अजीत सिंह बेइज्जती से जरूर डरता है। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत सजा सोच रखी है लड़की। इसमें सिर्फ दो ही गोलियां होती हैं मेरी जान, और दोनों तुम चला चुकी हो। चलो कमीने जली, मुझे नहीं मालूम था कि मैंने आस्तीन में सांप पाला है। ये रस्सी है अजीत सिंह, आगा नहीं जब टूट जाएगा। आज मेरे ठाकुर होने की खुशी में सब लोग शराब पिएंगे। तुम भी पियोगे अजीत सिंह? नाचो। तुमने क्या मुझे बाजारी औरत समझ रखा है? मैं नहीं नाचूंगी, चाहे तुम मेरे टुकड़े कर दो। टुकड़े मैं तुम्हारे नहीं, ठाकुर अजीत सिंह के करूंगा। सोचो। उन्हें मान लो बेटी, अगर तुम नहीं नाचोगी तो ये जालिम ठाकुर को मार डालूंगा। अजीत को अपने बड़े भाई से बहुत प्यार है, उसके आने तक इसकी जान बचा। जब तक ठाकुर जिंदा है तुम्हारी आबरू बची। लेकिन रंजीत तो पुलिस के कब्जे में है, वो कैसे आएगा? वो आएगा, पुलिस उसे आने से नहीं रोक सकती। ठाकुर की जिंदगी को चंद घंटे और उधार दे दो बेटी, मैं हाथ जोड़ता। Thank you.
तुम्हें खुश करके सज्जू मुंशी के बच्चे मैं क्या आया था कि यहाँ कोई नहीं आएगा चले जाओ यहाँ से ठाकुर बने हो तो ठाकुर का बहुतपन भी पैदा करो नए ठाकुर इस ग्रोह के लोग किसी की आंखों में ही लूटते भाग जा मुंशी के बच्चे अभी तेरे मरने के दिन नहीं है आज का दिन देखने से पहले मर जाता तो अच्छा था इस लड़की के पास से हट जा सज्जू मुंशी के बच्चे चला जा वरना मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ूंगा मैं कहता हूँ उसे छोड़ दे तो भवानी की कसम है तुम्हें गोली मार मुंशी चलो अच्छा हुआ वो भी आ गया ठाकुर कहाँ है किस ठाकुर की बात कर रहे हो रंजीत सिंह बहुत दिनों के बाद आए हो ना इसलिए तुम्हें दुनिया बदलने की खबर ही नहीं मैं पूछता हूँ कहाँ है ठाकुर नए ठाकुर तो ये खड़े हैं हम तुम्हारे सामने और पुराने ठाकुर ये रहे हमारे पीछे भैया किस हराम जादे ने मेरे भाई की हालत की है कौन है वो तुम्हारे भैया का ये हाल सज्जू के सिवा और कौन कर सकता है सज्जू जिंदा पकड़ो इसे मुझे इससे पुराना हिसाब चुकता करना है इसी लड़की के लिए तू हमें छोड़ गया था छोटे और आज इसी लड़की के लिए तू वापस आया है नहीं भैया तुम्हारे पास आने के रास्ते बंद हो गए बंद करो पीरामल अजीत सिंह बताओ खजाना कहाँ है अगर छोटे की जान प्यारी है तो बताओ नहीं भैया मेरे प्यार को अपनी कमजोरी मत बनने देना तो फिर ठीक है तू अपने प्यार की मजबूती दिखा लड़की रंजीत देख लिया अपने रंजीत को हाँ तो अजीत सिंह अब बताओ तुम छोटे से प्यार करते हो और छोटा इससे प्यार करता है इसका क्या हशर होगा वो तो तुम जानते हो उसके बाद छोटा मरेगा और फिर तुम अब भी वक्त है अजीत सिंह बता दो खजाना कहाँ है तुम चुप रहो अगर तुम वादा करो कि छोटे और इस लड़की की जान नहीं लोगे तो मैं खजाने का पता बताता हूं मैं वादा करता हूं भवानी की सौगंध में दोनों की जान बख्श दूंगा अब बताओ खजाना कहां है कहां है खजाना शिव जी के मंदिर के पीछे वाले खंडन में जो बात का पक्का है अजीत सिंह दो की जान बख्शी का वादा किया था ना वादा पूरा करता इस लड़की को तो मैं अपनी हिफाजत में लेता रंजीत को मैं पुलिस की हिफाजत में लेता हूँ
और तुम्हारे बारे में खजाना मिलने के बाद फैसला करूंगा। बोलो। छोड़ दो मुझे। चलो अजीत सिंह। मैंने बड़ी मुश्किल से तेरे लिए दो चार सांसें बचाई छोटे, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। याद है तुमने एक दफा कहा था तुम मेरी जान आंगन पोर पोर से निकालोगे। आज मैं तुम्हारे साथ वही करने आया हूँ। ये काम तिल वालों का है विजय नारायण, तुम्हारे जैसे नीच और डरपोक नहीं कर सकते। तुम और तुम्हारे ये पालतू कुत्ते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माँ का दूध पिया तो आओ पकड़ लो। तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है ना अजीत सिंह, मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल कर। आंख भर के इस खजाने को देख लो अजीत सिंह, क्योंकि अब तुम्हारी आंख बंद होने का समय आ गया। ना 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 ना, तुम तो बड़े ठाकुर हो, ये छोटी मौत मारेंगे तो ठाकुर क्या कहेंगे। ले जाओ इसे और लटका दो ऊंचाई पर। ये
बक्सा लेके चलो। इतनी जल्दी नहीं सरजू, इतनी जल्दी तुझे नहीं मरूंगा। मैं मेरे भाई का बहुत खून बहाया है, उसके खून की एक एक बूंद का हिसाब लूंगा। मैं तुझे तरपा तरपा कर कुत्ते की मौत मारूंगा। नहीं।